हम करने वाला है ढेर सारा मैकडॉनल्ड्स फूड ईटिंग चैलेंज। तो हम ढेर सारा मैकडॉनल्ड्स से मंगवाया हुआ खाना खाने वाला है, लेकिन कौन सा खाना कैसे खाने वाला है वो जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखना। और अगर आपको आज की चैलेंज अच्छी लगे तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना। तो चलिए अभी आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। तो ये रहा हमारा मैकडॉनल्ड्स का खजाना। तो भाई हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें ली है, तो इधर से उधर जो भी चीज ली है वो विश्वा बताएगा, और इधर से इधर जो भी चीज ली है वो तो सेम ही है। हाँ। तो भाई एक काम कर, तू इधर तक बता, इतना थोड़ा बहुत मैं बता लूंगा। हाँ। तो आज की चैलेंज के लिए हमने लिया ये कोक, फ्रेंच फ्राइज, फिर ये मैक महाराजा। हाँ। फिर ये पोटेटो वेजीज। ये पोटेटो वेजीज समझो ये छिलके वाला आलू ही है, उसको बस काट के पूरा पता नहीं इसको ऊपर मसाला डाल के उसको बॉईल करके ऐसा कुछ किया है, ये घर पे भी इजीली बना सकते हैं। फिर मैक पिज़्ज़ा पफ और ये बिग स्पाइसी पनीर रैप। वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तेरे को सबसे अच्छा इनमें से क्या लगता है भाई? ये पनीर रैप। मेरे को भी पनीर रैप अच्छा लगता है। तो भाई ये इधर तक तो विश्व ने बता दिया, अभी ये दोनों है वो है मैक वेजी, ये दोनों है वो है हैश ब्राउन्स, और ये है चटपटा आलू नान। चटपटा आलू नान। तो भाई ये जितनी भी चीज़ें हमने ली है ये सारी की सारी चीज़ हम खाएंगे, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से खाएंगे। तो कौन सी चीज़ को कौन से तरीके से खाएंगे वो जानने के लिए आज के वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये हैश ब्राउन। तो भाई इसकी कौन सी चैलेंज करेंगे? इसकी तो भाई स्पीड ईटिंग चैलेंज। हाँ भाई इतना छोटा है तो बट ऑब्वियस है ये स्पीड ईटिंग चैलेंज ही करेंगे। तो भाई इसकी पन्नी साइड पर रख दे। हाँ। भाई देखो ऐसा आता है, ये तो मेरे को इसको देख कर है ना साबुदाना वड़ा याद आता है। हाँ, मुंबई के। चल रेडी, चल रुक जा। और हाँ, ये कोक हमने जो लिए वो मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर है उसका, तो ये जो भी चीज खाएंगे उसको खाने निगलने के लिए ये कोक का हम यूज करेंगे, तो ऐसा जरूरी है कि इसको खत्म करना है। चल रेडी। यस, 3, 2, 1 गो। डन। मेरा थोड़ा रह गया है, तेरा दिखा, तेरा भी थोड़ा रह गया है। अरे थोड़ा ही है, लेकिन देखो इसमें मैं जीतता हूँ। विश्वा कौन जीतता है? हम दोनों टाई। हाँ टाई भाई, थोड़ा इतू इतू सा रह गया था। हाँ चलो भाई जो भी है। तो अभी नेक्स्ट चीज ये मैक पिज्जा पफ लेंगे। और भाई ये छोटी चीज है तो ये भी खा जाएंगे ना विश्वा फटाफट से? हाँ, ये तो स्पीड ईटिंग चैलेंज ही करेंगे इसके तो भाई। अबे तेरा क्या मस्त पूरा ऐसा शेप वाला है, मेरा देखो ये फटा हुआ है। जैसा जिसका नसीब। भाई मेरा नसीब फटा हुआ तो नहीं है। चल रेडी। तो इसके भी हम करेंगे स्पीड ईटिंग चैलेंज। यस रेडी। बहुत टेस्टी आता है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई। अभी टेस्ट बेस्ट गया बाढ़ में, अभी सीधा पेट के अंदर डाल दे। चल रेडी, 3, 2, 1 गो। डन। अभी मेरा खत्म हुआ। हाँ तो दोनों में से एक चीज में जीत गया। तो अभी तेरा स्कोर है 1 और मेरा 0। तो अभी आपको लग रहा होगा कि नेक्स्ट चीज के लिए हमने ये वेट स्केल और ये टाइमर क्यों लिया है। हाँ। तो भाई आगे हम जो चीज लेने वाले हैं वो चीज है ये पोटैटो वेजेस। तो भाई इसके ऊपर रख दे और उसका वजन चेक करेंगे, और इसका वजन है 191। हाँ 191 है, और इसका है इतना ही होगा 191। देखो हमने सब वजन करके रखा है। हाँ। तो हमारा एकदम हिसाब एकदम ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो दोनों का 191 ग्राम्स है। तो अभी विश्व को मैं दूंगा कितनी सेकंड्स? 25 बस। हाँ। तो देखते हैं कि विश्व 25 सेकंड में इसको 191 से कितने ग्राम में ले आता है। हाँ। और उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, और जो सबसे कम ग्राम में ले जाएगा मतलब जिसने सबसे ज्यादा खाना अपने पेट में डाला होगा वो जीत जाएगा। तो अभी 25 सेकंड मिल रहे हैं तेरे को, ठीक है? 3, 2, 1 गो। 25 सेकंड है तेरे पास। माय गॉड, ये तो लगता है 25 सेकंड में सब खा जाएगा। अबे
विश्वा मुंह में रह जाएगा तो नहीं चलेगा? चलेगा ना, वैसे भी क्या कर सकता हूँ मुंह में, तो मैं चेक नहीं कर सकता कितना है। अबे 20, 21, 22, 23, 24, 25 ओ सॉरी 24 थी, 25 अभी हो गई। ओ अबे ये तो सिर्फ ये रह गया। मेरे को लगता है 20 सेकंड देनी चाहिए थी इसको, बहुत 25 था। चलो अभी तो आकाश भाई को अभी मैं देता हूँ 25 सेकंड। किस चीज के लिए भाई? ये खाने के लिए पोटैटो वेजेस। चल रेडी, 3, 2, 1 गो। अबे ये तो हाथ में नहीं आ रही भाई, तू जीत जाएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वैसे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई विश्व का मुंह बड़ा है, लेकिन आज प्रूव हो जाएगा कि आकाश भाई का बड़ा है या मेरा। भाई तू हार गया। तो चलिए अभी अगली चीज की बारी। तो अभी तक का विश्व का स्कोर है 1 और मेरा 1 1 सबका मालिक 1। तो भाई अभी हम दोनों का स्कोर तो इक्वल हो गया, लेकिन अभी आगे बढ़ते बढ़ते कौन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है वो देखते हैं। तो अभी लेते हैं ये मैक वेजी। मैं इसको मैक आलू टिक्की बोलने जाता था। नहीं, भाई नहीं। ये थोड़ी उससे थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ता है इसका। तो अभी इसको हम जितनी हो सके उतनी कम बाइट में इसको खत्म करना है, ट्राई करेंगे। तो एक बाइट लेना है, वो बाइट निकल जाना है उसको चबा के अच्छी तरह से, फिर दूसरा बाइट लेना है। ऐसे करते करते कितने टोटल बाइट के अंदर ये पूरा का पूरा मुंह में चला जाता है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो भाई एक बाइट में ही चला जाएगा। अगर नहीं टैलेंट है तो फिर 5-6 बाइट लग जाएगा। और अभी ये वेजिस में तो पता चल गया कि विश्व का मुंह अंदर से बड़ा है, मेरा बाहर से बड़ा है, विश्व का अंदर से बड़ा है। चल चलो अभी इसमें क्या 3-2। हाँ वही, लेकिन तू बोलेगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, फील आएगी। काउंटडाउन की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं चल 3-2 अभी one. अभी क्या है, इसकी आदत पड़ गई है तो ये कभी 3-2। अभी मम्मी घर पे खाना देती है ना तो भी हम खाते नहीं, मम्मी 3-2-1 गो नहीं बोलती ना, तब तक हम खाना चालू नहीं करते, ये हमको आदत पड़ गई है। चल तो भाई लगा दे बोली। रेडी 3-2-1 गो। ओ हो 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 हो, एक बाइट। ओ ये 2 बाइट में खत्म कर देगा। ये साइड पर देखता, उधर देखता, अभी क्या विश्व का ऐसा पूरा हाथी जैसी सूंड बाहर आती है। मेरे को लगता है इसमें टाइम चेक करना था, क्योंकि 2 बाइट में तो शायद मैं भी खत्म कर लूंगा। नहीं होगा भाई। हाँ देखते हैं, अभी एक बाइट में तो आराम से खत्म हो जाएगा। ये देखो, ओ माय गॉड। तो भाई विश्व ने 2 बाइट में खत्म कर दिया, तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं कितने बाइट में खत्म करता हूँ। चल भाई रेडी। हाँ भाई रेडी, मेरे को ये 2 बाइट में खत्म करना है। नहीं 2 बाइट में खत्म करूंगा तो हमारा दोनों का सेम हो जाएगा ना, मेरे को एक बाइट में पूरा का पूरा बर्गर अंदर। भाई देखो मुंह के अंदर लेना जरूरी है, फिर चबाने के लिए आधा घंटा लगेगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। ये पूरा ऐसा मुंह बंद भी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद तेरा बंद कुछ नहीं होता, एक उल्टे हाथ के लगाऊंगा ना तो सब तेरा खुल जाएगा। चल दो, चल रेडी, लगाओ अभी काउंटडाउन। चल दो 3-2-1 गो। छिल जाएगा तेरा। ये भी इतना सा बाहर है तेरा, इतना सा। भाई क्या बात है, एक ही बाइट में पूरा बर्गर। भाई तूने स्ट्रेचिंग वेजिंग करी थी तेरे मुंह की। तो चलिए भाई, आकाश भाई तो ये जीत गए, अभी अगली चीज की बारी। तो आकाश भाई अभी 1 पॉइंट आगे चले गए। हाँ भाई, तो अभी विश्व को अगर मेरे साथ ताल में ताल मिलाने हैं, हाँ मतलब ऐसा तालमेल बढ़ाना है मेरे साथ, तो भाई तेरे को ये वाला लेवल जीतना पड़ेगा। जीत लूंगा भाई। भाई
बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जाता है। वैसे देखो भाई, मैं तो भाई गलत प्रूव हो गया। हाँ भाई। हाँ कैसे भाई? मैंने बोला था कि मेरा मुंह बड़ा है, आकाश भाई का छोटा, लेकिन भाई ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। आकाश भाई का बड़ा है और मेरा भाई छोटा मुंह। हाँ भाई मुंह। अच्छा मुंह भाई। अभी अगली चीज कौन सी लेनी है? तो अभी अगली चीज लेनी है ये बिग स्पाइसी पनीर रैप। तो भाई अभी पनीर रैप में क्या करना है विश्व, तेरे को पता है? हाँ पता है। तो तू बता। ये टाइमर लगाएंगे हम और 10 सेकंड तक खाना है हमको। अच्छा, तो अभी सबसे पहले उसका वजन कर लेते हैं कि कितना है, और 10 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा बाद में, और फिर 10 सेकंड में विश्व कितने ग्राम इसमें से कम करता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद सेम चीज मैं करूंगा, और जो सबसे ज्यादा ग्राम कम करेगा वो जीत जाएगा। हाँ, सिंपल सिंपल। तो इसका वजन है अभी 264। हाँ तो 264 याद रखना, उसमें से मैं माइनस करूंगा तूने कितने ग्राम खाए। हाँ। चल। ओ, चिपक गया। हाँ, निकल गया। निकला। ए, रोटी निकली। रोटी निकली, रोटी। चलो रेडी, यो 3 2 1 स्टार्ट। 10 सेकंड है तेरे पास सिर्फ। ओ माय गॉड, ये मेरे को लगता है 100 सेकंड में सब सारा का सारा खा जाएगा। 6 7 8 9 10 बस। रख दे इसको अंदर। क्योंकि इसके साथ हमने वजन किया था 118। कितना था पहले विश्व? 264। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं भाई, हमारा गणित कच्चा है तो हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। 264 माइनस 118 तो विश्व का होता है 146 ग्राम तूने खा लिया। हाँ भाई, 146 ग्राम विश्व घटक गया 10 सेकंड के अंदर। तो चल भाई अभी तेरे रैप का वजन कर ले। अपना तेरा कितना था? 264। हाँ 264 था मैं। और अपना है, ओए अपना है 262। हाँ। भाई 2 ग्राम कम क्यों दिया मेरे को? क्या बता। चल रेडी, रुक तो जा, मेरी रोटी बाहर तो निकल ना दे। 3 2 1 गो। सात आठ नौ दस स्टॉप। लगता है आकाश भाई का भाई थोड़ा ज्यादा बचा। 262 माइनस 139। 139। हाँ 139। 123 ग्राम्स तूने खाया है। ओह, तो अब वापिस अभी मेरा हो गया 2 और आकाश भाई का भी 2। भाई हम दोनों का सेम हो गया। हाँ भाई, अगली बारी है फ्रेंच फ्राइज की, तो इसको टाइम मिलेगा सिर्फ 3 सेकंड का। अबे हाँ 5 सेकंड नहीं भाई, 3। अरे मजा आएगी 3 सेकंड में, तो कोई क्या खाएगा? ऐसे पकड़ के मैं मुंह तक हाथ ले जाऊंगा तब तक 3 सेकंड हो जाएगी भाई, वही तो देखना है। चलो भाई 3 सेकंड। हाँ भाई, ये बहुत ऐसे काटे की टक्कर हो रही है, तो ये दोनों का वजन देख लेते हैं। इसका है 116 और इसका 116 सेम। तो विश्व की 3 सेकंड शुरू होती है इन 3 2 1 गो। ओहो स्टॉप। हो गई 3 सेकंड। ये नहीं खा सकता तू, बार रख। नहीं खा जा खा जा खा जा खा जा। चलो इसको नहीं काउंट करेंगे, ये मुंह में उसका आ गया था। तो अभी इसका वेट बाद में करेंगे, पहले मैं भी खा लेता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। 3 2 1 गो। 1 2 3 स्टॉप। भाई देखो, लालच बहुत बुरी चीज है। ये देखो। मैंने बोला था ना, मैं हाथ में लेकर इधर मुंह तक हाथ ले गया, तब तक तो 3-3 सेकंड हो भी गई। भाई तू लालची, आज पता चल गया रे। इसीलिए भाई थोड़ा थोड़ा करके खाओ। तभी मेरा स्कोर है 3 और आकाश भाई का 2। यार ये तो बहुत गलत पंगा हो गया, ये तो खेल शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो भाई हमारे पास अभी 2 चीजें बची है, एक है ये चटपटा आलू नान और एक है ये मैक महाराजा। तो भाई महाराजा को तो फाइनल लेवल के लिए रखते हैं। हाँ। क्योंकि भाई महाराजा की इज्जत तो होनी चाहिए ना। हाँ। और अभी खाएंगे चटपटा आलू नान, तो इसकी स्पीड ईटिंग चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि इसको सबसे पहले कौन खत्म करता है। चल रेडी, 3 2 1 गो। Mm-hmm.
डन। तो भाई अभी मेरा स्कोर हो गया है 4 बराबर ना। क्या पता जो भी है तू मेरे से आगे। मैं क्या बोलता हूँ ये एसी की आवाज सीधी इधर आती है। बस बस भाई अभी तो तेरे बहाने तो तेरी साइड रहा। ये हवा लग के ठंडा हो गया है। कड़क 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 हो गया। अच्छा तो अभी ये लास्ट जो राउंड था फ्रेंच फ्राइज वाला उसके लिए तेरा क्या है एक्सक्यूज? मैं तो बोला ना 3 सेकंड में देख। इसमें क्या होता है मेरे हाथ है ना, देखो मैं ठहरा बॉडी बिल्डर बंदा। ऐसे उतना सीरियस मत लेना, ले ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा बॉडी बिल्डर हूँ मैं। हाँ चल मान लेता हूँ मैं। चल तो बंद आगे आ गई वो अलग बात है। तो भाई देखो बॉडी बिल्डर बंदा। नहीं नहीं भाई ये तेरी तो ना आगे आगे तो अच्छा है भाई। तू ये ऐसा हम फोन यूज करते हैं तो कैसा कवर वर डाल के करते हैं ऐसा, तो तेरे मसल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है कुछ समझ में? अरे तेरे मसल्स को तू प्रोटेक्ट कर रहा है इसीलिए ये सारा फैट है। तो मेरे को क्या होता 3 सेकंड में, ये देखो हाथ इतना अपना बड़े बड़े बाइसेप है तो भाई इधर पहुंचने में थोड़ा एफर्ट लगता है। तेरी क्या इतनी छोटी छोटी गुटली है तो ऐसे करके चुबक करके आ जाता है, समझा भाई? अभी तू हार गए अभी तू ऐसे। तो उसमें वो चीज थी और इसमें भाई ये एसी वाली चीज थी। तो देखो अपन, मैं कभी हारता ही नहीं, ये सब दूसरी सारी चीजें मेरे को हरवाती है। ताकि अपन तो बॉर्न विनर है, पैदा हुआ तब से जीतता ही आया हूँ मैं। तो अभी ये फुल एंड फाइनल चीज बची है और वो है हमारे मैक महाराजा। देखो मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ हमारे मैक महाराजा। हाँ भाई ये राजा जी है तो उसको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, क्या बोलता है? हाँ भाई। तो भाई इसको हम खाएंगे कैसे? एक ही बाइट में। एक ही बाइट में पूरा कैसे खाएंगे? अरे खा नहीं पाएंगे एक बाइट में, लेकिन एक ही बाइट लेना है और फिर इसका वेट करेंगे हम। इन शॉर्ट बिग बाइट चैलेंज कर रही है ना। बिग बाइट तो एक बड़ा सा बाइट लेंगे हम दोनों और फिर बाद में राजा जी का वजन करेंगे। और जिसके राजा जी भारी हुए वो हार जाएगा। हाँ चल अभी राजा जी को इस पर चुम्मा दे। चल मेरे लिए बर्गर ये मैक महाराजा, मेरे लिए राजा जी ने। चल राजा जी को मुंह में ले ले। अरे ओ भाई भाई देख अभी तू इतना बोलेगा ना तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं तो ये पूरी चैलेंज जो है मैं जीत गया हूँ। नहीं नहीं चल राजा जी को बुरा लगेगा। चल चल रेडी 3। अबे तू नहीं बोलेगा। अबे राजा जी सलामी ठोके खाएंगे, रख दे। सलामी ठोके खा। ऐसे ऐसे चलो सलामी हम दो सलामी दे। अबे राइट हैंड से दे दे सलामी। अरे ये गंदे है राजा, तीर छोड़ेंगे फिर। राइट हैंड से सलामी दे। हाँ भी खा। चलो ऐसे फूड के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे हंसी मजाक चलती रहती है भाई आपको हंसाने के लिए। ओहो राजा जी को पूरा मुंह में ले। हो गया। अभी मेरी बारी। ओ भैया राजा जी, राजा जी को मुंह में ले ले। एक का एक डायलॉग कितनी बार चिपकाएगा। चलो फिर ये पिछवाड़ा है राजा जी। ये पिछवाड़ा नहीं है, ये पिछवाड़ा है, ये अगवाड़ा है। ए प्रभु मेरा पूरा सिर दर्द करने लगा हंस हंस के। भाई तू नीचे रख। अबे यार सलामी ढोक। चल अभी रेडी 3 2 1 गो। खुद ही बोल रहा है भाई तू जीत गया, जीत गया, रहने दे। भाई क्या बता रहे तुम्हें ये बता। आकाश भाई के आंखों में पानी। भाई यहां पर सब चिपका। अभी हम ब्रेक कर रहे थे, इसके बाद मिलते हैं, नहीं लेना है। हाँ हाँ ठीक है।
भाई ये भाई प्रभु भाई ये राजा जी भारी पड़ गए मेरे राजा जी भाई पता चल गया है सबको अबे मेरी आते बाते बाहर आ जाएगी उधर मम्मी भी हंस रही है पेट पकड़ के मम्मी इधर उधर घूम के हंस रही है देखो मेरे राजा जी तो डर पकते भाई मेरे राजा जी की हिम्मत ने जवाब दे दिया ये देखो हे प्रभु चलो तेरे राजा जी का वेट कर मैं देने का हालत तो दे टिश्यू पेपर ला देखो वैसे भाई आगस भाई का बर्गर तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आया नहीं आधा हो गया है तेरा तो इसलिए बोल रहा हूँ तू वेट कर पहले मेरे को तो पसीना पसीना हो गया इतना हंसने को आया मेरे को इतनी हंसी 239 उठा ले 223 मेरा कितना था 239 मैं जीत गया ओ भाई चलिए भाई आकाश भाई तो जीत गए हाँ। लेकिन ये पूरी चैलेंज तो मैं ही जीत गया भाई जो भी है मजा बहुत आया मेरे को तो हंस हंस के अभी पेट दर्द कर रहा है ये देखो आंख में से पानी निकल रहा है हाँ। पसीना पसीना हो गया सिर दर्द कर रहा है पता नहीं क्या क्या दर्द कर रहा है आकाश भाई को पनिशमेंट मिल गई मेरे को हंसने वाली पनिशमेंट मिल गई हाँ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलिए अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।